पिछले वीडियो में हमने परमाणु के बारे में जाना था कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे कई परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम H2O यानी पानी की बात करेंगे। पानी के एक अणु का निर्माण ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु एकमात्र परमाणु है जो कि केवल एक प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी परमाणु अपने बाहरी कोष को पूरा करके संतुलन की अवस्था में आना चाहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु को अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस बंध में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिससे हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो जाता है, परंतु अब भी ऑक्सीजन के बाहरी कोष में केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी बाहरी कोष पूरा हो जाता है, जिससे ये संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं और ये संयुक्त रूप से H2O के एक अणु का निर्माण करते हैं। यदि आप इसी प्रकार से धात्विक और आयनिक बंध के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।